नमस्कार, मैं हूं पांडे और आप देख रहे हैं खंडवारा आज तक। आज की कुछ खास खबरें इस प्रकार हैं। चैल विधायक संजय कुमार गुप्ता ने चैल की जनता को जागरूक करने और गांव-गांव जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 5 प्रचार गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ियां गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के साथ साथ उन्हें प्रेरित करने का भी काम करेंगी। टीकाकरण के प्रोत्साहन के बजते गाने एवं विधायक संजय कुमार गुप्ता की अपनी आवाज़ में जनता से अपील के साथ ये गाड़ियां गांव-गांव जाकर उनके टीकाकरण के संदेश को जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। बताया जा रहा है कि ये 5 गाड़ियां लोगों के बीच तब तक जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगी जब तक कि चैल के हर व्यक्ति का टीकाकरण नहीं हो जाता। चैल विधायक संजय कुमार गुप्ता का यह अपने आप में एक सराहनीय कदम है। आइए आपको सुनाते हैं टीकाकरण का वो संदेश जिसे लेकर ये गाड़ियां गांव-गांव जाने वाली हैं। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए सब थे बेकरार, वैक्सीन वो आ गई, सबको लगनी है और सबको लगवाना है, कोई छूटे ना कोई भी रह जाना है। नमस्कार, मैं संजय कुमार गुप्ता आप सभी क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम करता हूं। मैं आपके बीच में एक अपील लेके आया हूं। कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर आई, आपने देखा है ये लहर कितनी भयानक थी, कितनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए और कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। अपने बहुत से लोग सदा सदा के लिए बहुत दूर चले गए जो कभी वापस नहीं आएंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो लोग वैक्सीनेटेड थे वो संक्रमित तो हुए मगर कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई। एक उदाहरण है आपके बीच में, जितने फ्रंट लाइन वर्कर थे चाहे वो मेडिकल। हमारे साथ खबरों का अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।